चित्रकूट के मानिकपुर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण मोबाइल और नकदी के साथ दो चोरों को शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किया। मानिकपुर जीआरपी दिलीप कुमार मिश्रा हेड कांस्टेबल इकरार खान और उनकी टीम द्वारा शंकरगढ़ आरपीएफ पुलिस की संयुक्त टीम ने शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में चेकिंग कर रहे थे, तभी चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भाग रहे दोनों युवकों को दौड़कर पकड़ लिया, जहां पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपना नाम मोनू उर्फ अमित पुत्र संतोष दीक्षित निवासी भूसोली आगरा व दूसरे ने अपना नाम जय भगवान पुत्र रघुवीर ग्राम बरौली निवासी आगरा का बताया है। जीआरपी मानिकपुर पुलिस ने जामा तलाशी के दोनों के पास से सोने चांदी में एक सोने की चेन 5.9 ग्राम व दूसरी सोने की चेन 18.5 ग्राम, सोने का सिक्का 20 ग्राम और मंगलसूत्र, सोने के बैंडल और अंगूठी सोने के बरामद की है। साथ ही नकदी 5,000 रुपए और आईफोन मोबाइल बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में अनुभाग झांसी सीओ इश्तियाक अहमद ने बताया कि दोनों आरोपी ट्रेन में एसी के टिकट बुक कराया करते थे और यात्रा के दौरान ट्रेन में यात्रियों के सो जाने के बाद यात्रियों का सामान मोबाइल इत्यादि चोरी कर लिया करते थे। मानिकपुर रूट में भी इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं सीओ जीआरपी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मोनू उर्फ अमित के पिता संतोष दीक्षित इन लोगों का टिकट करवाते थे और वही इस चोरी की घटनाओं का प्लान भी कर। जीआरपी अनुभाग झांसी के अंतर्गत थाना जीआरपी मानिकपुर में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में आज सुबह शंकरगढ़ क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी कि टीन सेट के नीचे प्लेटफॉर्म पर दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। हमारी पुलिस टीम ने उनको भागकर पकड़ा। दोनों व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम मोनू उर्फ अमित पुत्र संतोष दीक्षित ग्राम गोसौली सादाबाद आगरा बताया गया। दूसरे व्यक्ति का नाम जय भगवान पुत्र रघुवीर सिंह ग्राम बरौली थाना ताजगंज आगरा बताया गया। दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक चैन सोने की, जिसका वजन लगभग 5.9 ग्राम, दूसरे चैन 18.5 ग्राम, एक सोने का सिक्का जिसका वजन 20 ग्राम, एक मंगलसूत्र, सोने का पेंडल, अंगूठी सोने की और एक आईफोन बरामद हुआ। साथ ही इनके कब्जे से 5,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ। इन दोनों से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा मानिकपुर रूट पर कई घटनाओं को अंजाम दिया गया और जो मशरू का बरामद हुआ है, इनका संबंध है जीआरपी थाना मानिकपुर की 4 चोरी की घटनाओं से और 1 लूट की घटनाओं से इनका संबंध है। इनका जो मोडस ऑपरेंडिस था, इसके बारे में बताया गया कि ये लोग ट्रेनों में रिजर्वेशन कराकर कई बार चोरी कर चुके हैं और ये एसी में रिजर्वेशन कराते हैं, जिससे कोई इन पर शक नहीं करता है कि ये चोरी करने के इरादे से आए हुए हैं। यात्री बनकर ये घुल मिल जाते हैं पैसेंजर्स के साथ और मौका मिलने पर उनका सामान लेकर जहां भी चोरी कर लेते हैं संबंधित स्टेशन पर उतर जाते हैं। इनके चोरी के घटनाओं को करने के लिए मोनू उर्फ अमित के पिता संतोष दीक्षित के द्वारा रिजर्वेशन कराया जाता है, पूरी घटनाओं का प्लान बनाया जाता है और जो चोरी का सामान होता है उनको ये लोग ले जाकर संत मोनू के पिता को भी सामान देते हैं, उनके द्वारा भी सामान रखा जाता है और अज्ञात व्यक्तियों या को बेच बेचा जाता है। इस प्रकार से इस घटनाक्रम से जीआरपी मानिकपुर में 5 मुकदमों का अनावरण हुआ है, जिसमें 4 चोरी के मुकदमे हैं और 1 लूट का मुकदमा है।